तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन का, ठीक है, आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 19.1 का सारे क्वेश्चन, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो पहला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत आसान था, वैसे ये भी आसान है लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, बस n डिफरेंट होना चाहिए कांस्टेंट की तरह और x और ये dx सेम होना चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा इंटीग्रेशन। और वो हो जाता है x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c, जहाँ पे n जो है वो वन नहीं होना, सॉरी n जो है आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब n बराबर माइनस वन होगा तो एक्चुअली वन बाई एक्स होगा क्योंकि वन बाई एक्स को ही तो हम x का पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम याद किए हुए हैं ln mod x प्लस सी, ठीक है, ln mod x प्लस सी। चलिए तो अब जो है इस फार्मूला के पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/4 लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे n का काम करेगा 5/4, तो क्या हो जाएगा 5/4 बाय प्लस वन डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस वन x पे पावर डाल के और प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब कैलकुलेशन क्या होगा आपका, x का पावर 5 और 4 जुड़ जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा एक्चुअली 9/4, तो वो पलट के आ जाएगा और बन जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, या इसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं इसे, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, चेंज करके देख ही लेते हैं, थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। 4/9 एक्स का पावर हम लिख सकते हैं 4 2 8, 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1, है ना, 9 को हम लोग 8 प्लस 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4। अब बारी बारी से अगर हम सेपरेट कर दें डिवीज़न को, डी एक्स एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, गलती से लिख दिया हम लोग, 4/9 एक्स का पावर 2 और प्लस इंटू में एक्स का पावर 1/4, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, तो इसका मतलब 4/9 एक्स का स्क्वायर इंटू 4√x, क्योंकि फिर आ जाएगा ना 2 प्लस 1/4, हो गया, यही आंसर है, प्लस सी तो लिखना ही है, आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब ये समझ गए आप, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड हो गया। आसान आसान क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -5, क्योंकि एक्स का पावर 5 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एक्स का पावर -5 dx, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एन का काम करेगा -5, तो -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 1, तो अब हो जाएगा एक्चुअली एक्स का पावर -4 और नीचे हो जाएगा -4, यानी कि 1/-4 लिख दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 और नीचे जो होगा वो एक्स का पावर, है ना, 4 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जाएगा -4 तो वो +4 हो जाएगा पावर में, ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आप आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप फार्मूला को यूज करने सीखें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ बाई एक्स का पावर 3/2 लिखे हैं, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर वही एक्स एक्स सेम है तो n+1/n+1 करेंगे, यानी कि -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1 प्लस सी। अब एलसीएम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली आएगा एक्स का पावर -3 + 2/2 और नीचे भी -3 + 2/2, अब एलसीएम लेके देख लो, है ना, तो ऊपर आ जाएगा एक्स का पावर -1/2 और नीचे जो -1/2 आएगा वो -2 बन के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, तो -2 टाइम्स ऑफ लिख दीजिए और प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा एक्चुअली -2 डिवाइडेड बाई √x आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे से नीचे जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1/2 को हम √x लिख सकते हैं,
ये भी हो गया आपका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो फार्मूला था वो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, जबकि अभी जो फार्मूला आया हुआ है वो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो होता है ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए, है ना, ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए प्लस सी। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। अब डिफ्रेंशिएट करके आप देख लो, ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए को डिफ्रेंशिएट करके देख लो, आ जाएगा ए का पावर एक्स, तो वही इसका मतलब सही है अगर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो। ठीक है, चलिए अब ए का पावर एक्स इंटू एल एन ए और एल एन ए कट जाएगा तो ए का पावर एक्स लौट आएगा, है ना, इसलिए बोल रहे थे। चलिए बस याद रहे कि ए जो है यहाँ पे 3 का काम करेगा, और एल एन ए का मतलब एल एन 3 होगा, अगर 3 है तब ए के जगह पे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जबका 3 का पावर एक्स सॉरी डिवाइडेड बाई एल एन 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल एन 3 प्लस सी, ये भी हो गया। तो ये डिफरेंस समझिएगा कि ए का पावर एक्स में और ये तो बन गया, ए का पावर एक्स और एक्स का पावर एन में क्या है। फिर देखिए यहाँ पे है एक्स का पावर, ये जो 3 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3, है ना, यही होता है रूल कि जो एक्सपोनेंट में सॉरी जो रेडिकल के अंदर रहता है वो बाई में चला जाता है। तो अब हो जाएगा एक्स का पावर -2/3, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो एक्स का पावर -2/3 +1 डिवाइडेड बाई -2/3 +1 और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे आप तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा -2 + 3/3 और डिवाइडेड बाई -2 + 3/3 प्लस सी। तो अब हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका एक्स का पावर 1/3 और नीचे का 1/3 बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए ये भी बन गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे, ठीक है ना, आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं आपको। अब देखिए लोग का अगर प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। और लोग का प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर जैसे 3 है और यहाँ पे 2 log(x)3 है, ठीक है, तो अगर ये 3 और ये 3 सेम रहता है तो आर्गुमेंट इक्वल हो जाता है, बसरते लॉग का मल्टीप्लाई जो 2 है वो नहीं होना चाहिए। तो हम लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, उस लॉग को के मल्टीप्लाई को 2 को हम पावर में भेज सकते हैं आर्गुमेंट के, है कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिख देंगे ना, एक्स पे पावर 2 लिख देंगे तभी तो वो मल्टीप्लाई में आया हुआ होगा। तो 3 log(x)3 रहेगा और वो जो पावर है वो चला जाएगा 2 इसके पावर में। अब देखो 3 सेम है तो डायरेक्ट जो है, और एक लॉग का कोफिशेंट भी 1 है, तो ये आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी हमने बस लॉग की प्रॉपर्टी को लगा के इसको चेंज किया है। अब इंटीग्रेशन कर लो, एक्स का पावर 3/3 प्लस सी, है ना, दिस इज द नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम प्रॉपर्टी। उसके बाद तो आसान हो जाता है। फिर देखो log(x)x है, आर्गुमेंट भी एक्स है, तो ये डायरेक्ट 1 हो जाता है, ये डायरेक्ट log(x)x जो है वो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और देखो ये क्यों हो जाता है 1, log(x)x 1 क्यों हो जाता है, देखो चलो इसको y मान लेते हैं। अब जो आर्गुमेंट के बराबर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट के बराबर बेस का पावर y लिखते हैं, जो नीचे रहता है, बताए थे कि जो नीचे रहता है वो नीचे रहता है, जैसे है ना बेस नीचे में है तो नीचे ही रहेगा। अब सोचो कि x 1 होगा, y 1 होगा, तभी तो होगा ना काम तुम्हारा, क्योंकि x इज इक्वल टू x का पावर y है, तो y 1 होगा तभी तो x बराबर x होगा, इसका मतलब ठीक है log(x)x होता है, और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। अब हो जाएगा फार्मूला x का पावर n+1/n+1 प्लस c, मतलब कि x, ठीक है। तो याद रखना 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब जैसे मान लो अब इंटीग्रेशन 1 रहे तो डायरेक्ट आप x लिख देना, है ना। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 2
डी एक्स रहे तो टू बाहर करके एक्स लिख देना, यानी कि जैसे जैसे मान लो टू डी एक्स है तो टू एक्स लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स रहे है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री रहे केवल तो थ्री एक्स हो जाएगा, है ना। तो आप ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उस कांस्टेंट को बाहर करके इनटू एक्स लिख दिया जाता है, और प्लस सी तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए तो इसमें इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी देखेंगे, ठीक है।